तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं बताता हूँ, मेरे पास कितने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ये बताओ कि अगर हम एक इंडियन एसी टेक्नीशियन हैं, अगर हमको सऊदी अरेबिया में काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है। देखो, इंडिया में तो कई लोग इससे ITI कोर्स करते हैं, कई लोग डिप्लोमा लेवल भी कोर्स करते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और कुछ लोग फ्रेशर भी हैं। तो पूछ रहे थे भाई, एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है सऊदी अरेबिया में, या फिर अगर हमको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो हमको क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, कितने तक सैलरी मिल जाएगी। देखो, एक चीज सबसे जरूरी है, इंडियंस अगर आप इंडिया से हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो काफी जरूरी है सऊदी अरेबिया के लिए, और वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। तो पहले डॉक्यूमेंट सुनो, उसके बाद मैं आपको सैलरी बता दूंगा। डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप एक्सपीरियंस ले लेना, कहीं ना कहीं 6 मंथ से 1 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस ले लेना, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो एक तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और सैलरी भी आपकी अच्छी लगेगी। डॉक्यूमेंट सुनो, जो अगर आप इंडियन हो, अगर आप सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। पहला है आपका वैलिड पासपोर्ट, अगर आपने नहीं बनवाया तो जरूर बनवा लेना। सेकंड, आपका एक्सपीरियंस कॉपी जो काफी जरूरी है। थर्ड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो काफी जरूरी है, ठीक है। फोर्थ है आपके आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आप इंडिया से हो तो आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वैलिड पासपोर्ट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने ITI डिप्लोमा 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स की जो भी आपने की हुई है, सबकी सर्टिफिकेट आप जरूर ले लेना, काफ़ी जरूरी है, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें कि अगर आप एक इंडियन हो और सऊदी अरेबिया में एसी टेंशन का काम करते हो, तो आपको अगर फ्रेशर पे मिलता है तो आपको जो फ्रेशर पे मिलता है वो 2200 SAR से लेकर 3500 SAR तक मंथली मिल जाता है। ये अलग अलग डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, उनकी लोकेशंस के ऊपर और आपके इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और अगर आपका एस एक्सपीरियंस है अच्छा खासा 2 ईयर 3 ईयर का, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 2800 से लेकर 4500 SAR तक सऊदी अरेबिया रियाल आपको मंथली मिल जाती है। तो बस ये होता है, पूरा खेल आपका एक्सपीरियंस के ऊपर ही है, तो एक्सपीरियंस पर ध्यान देना। अप्लाई आप इंडिया में एजेंट के थ्रू ही करना, ऑनलाइन मत करना, ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहा है। एजेंट में भी ऐसे एजेंट को चुनना जो ट्रस्टेड हो, जो जिन्होंने पहले सबका काम किया हो, ऐसे एजेंट को चुनना। विश्वास सब पे मत करना जो आप पे पैसे मांग रहे हैं, कोई फ्रॉड किए हुए हैं, तो ऐसे ध्यान रखना, अपना सावधानी रखना। हैव अ नाइस डे। लॉग आउट, कमेंट करो, बाय बाय।